आज हम आपको ओवन को यूज करना बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जहां आपने ओवन रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक ओवन, वहां पर आपको ऊपर से, साइड से और पीछे से स्पेस दे के रखना है, और बिल्कुल दीवारों से या कैबिनेट्स वगैरह इनके साथ बिल्कुल जुड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से हीट निकलती है तो उसका प्रॉपर डिस्पोज ऑफ का होना चाहिए इंतजाम। तो आपको तीनों साइड से, चारों साइड से फासला देना है, दोनों साइड से भी, पीछे से भी और ऊपर से भी। आपकी जगह वो होनी चाहिए जहां पर आपने ओवन रखा हो, ठीक है। सेकेंडली, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो आपने सांचा अपना रखना है वो हमेशा दरमियान में होना चाहिए, नीचे से भी उतना ही फासला हो, ऊपर से भी उतना ही फासला हो, और हमने अपनी रैक वहां पर रखना है जहां पर बिल्कुल मिडल आ रहा है ओवन का। और जब आप ओवन खरीदें तब भी इस बात का ध्यान रखें कि उसमें एक मिडल वायर, मिडल रैक जरूर होना चाहिए जहां पर आप उसको रख सकें, यानी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे। जब आप बेक कर रहे हैं उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि आपका सांचा, आपका जो मोल्ड है केक का, वो बिल्कुल मिडल में आ रहा हो, या ये जो वायर है बिल्कुल मिडल में आ रही है। अब हम आते हैं नॉब्स की तरफ। ये है टेम्परेचर की नॉब, ये सेल्सियस में है, और कुछ में फॉरेनहाइट्स में होता है, कुछ में सेल्सियस में होता है। तो आप गूगल करके इसको आसानी कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्सियस से फॉरेनहाइट में। ये ज्यादातर सेल्सियस और फॉरेनहाइट का डिफरेंस जो है 1/2 का होता है, यानी कि सेल्सियस में अगर 150 है तो फॉरेनहाइट में ज्यादातर 300 होता है, लेकिन फिर भी आप इसको गूगल करके चेक कर लिया करें हर दफा, ठीक है। ये हमारी टेम्परेचर की नॉब है, जितनी भी हमें चाहिए हम उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। केक्स जो हैं वो ज्यादातर 140 से 190 के दरमियान बनते हैं ज्यादातर रेसिपीज, और जो कुकीज हैं वो ज्यादातर वो भी कुछ 120 पे बनती हैं, कुछ इट डिपेंड्स ऑन द रेसिपी, रेसिपी पे डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर 120 से 200 के दरमियान ये इनके टेम्परेचर्स जाते हैं, ठीक है। अब आगे हमारे पास सिलेक्टर, ये है हमारी रॉड्स की सिलेक्शन के लिए। ये जो है ये दोनों रॉड्स ऑन होने के लिए है, ठीक है, दोनों रॉड्स इसमें ऑन होंगे। अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं तो इसमें सिर्फ नीचे वाली रॉड ऑन होगी, और जो मेरे पास ओवन है इसमें हमारे पास फैन की ऑप्शन ऑलरेडी है, इसमें ये फैन इसके साथ इंक्लूड होता है। अब ये जो है, अगर मैं ये सिलेक्ट करूं तो इसमें दोनों रॉड्स ऑन होंगी लेकिन फैन इसमें ऑन नहीं होगा। फैन का ये मकसद होता है कि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हीटिंग को। फैन अच्छी चीज है, और अगर आपके उसमें है तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, ये हमारे, ये इसमें फैन के बगैर अगर हम करना चाहते हैं तो हम इसको यूज करेंगे। ज्यादातर जो 20 से 25 मिनट्स या 30 मिनट्स की रेसिपीज हैं उसमें फैन जरूर ऑन करना चाहिए, लेकिन जो हमारी लॉन्ग रेसिपीज हैं उसमें हम फैन ना भी यूज करें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बाहर हाल हमारी बेकिंग को क्विक कर देता है और इसमें हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। फिर हमारा ये है ग्रिल के लिए, ये हमारी ग्रिलिंग के लिए, बगैर फैन के अगर आप ग्रिल करना चाहते हैं तो ये होगा, और फैन के साथ आप ग्रिल करना चाहते हैं तो ये होगा। तो ये है हमारे पास फैन के साथ ग्रिल। तो अब मैं आपको बारी बारी किस तरह से हम ग्रिल यूज करते हैं, किस तरह से हम बेकिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो सब बताती हूँ बारी बारी। थर्ड नॉब है हमारे पास टाइमर की, तो ये हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, ये 10 मिनट्स, 20, 30, 40, 50, अप टू 60 ये जा रहा है। और मेरे पास इस वक्त ब्लैक एंड डेकर का है ये ओवन, और ज़्यादातर ओवन्स में यही फंक्शंस होते हैं। एक चीज़ मैंने नोट की है, कुछ ओवन्स में
ये जो ये है ये दो होती है, उसमें ये होता है कि नीचे वाली जो रॉड है बॉटम रॉड उसका अलग है एक नॉब बनाई है, और ऊपर उन्होंने एक और नॉब दी होती है जो ऊपर वाली रॉड के को हैंडल करने के लिए। तो अच्छा, अब हम जब भी कुछ भी बेक करेंगे तो उसके लिए हमें प्री हीट करना होता है ओवन को। ओवन को हम ज़्यादातर 10 मिनट्स पे प्री हीट करते हैं। कुछ भी अगर आप बेक कर रहे हैं, कुकीज, केक्स, पिज्जाज, व्हाटएवर, आपने उसके उसको प्री हीट पहले खाली इसको ओवन को चलाना होता है 5 से 10 मिनट्स के लिए, ताकि वो अच्छा सा अंदर से गर्म हो जाए। अच्छा, ओवन में अब हमारे हमें साथ मिलती है एक ये ट्रे और एक ये ट्रे, ठीक है। उसके अलावा हमें मिलती हैं ग्रिलर, ग्रिल करने के लिए ग्रिलर्स मिलते हैं, और उसके अलावा हमारे पास ये क्रम्प ट्रे है। ये नीचे से हम इसको रिमूव करके धो के वापस रख सकते हैं, ये इसीलिए होती है, ये क्रम्प ट्रे है। तो इस पे जो भी अगर आपके क्रम्स गिरे हैं, कुछ भी गिरा है, तो वो आप उसको वॉश करके दोबारा से प्लेस कर सकते हैं। अब ये ट्रे जो है ये ज़्यादातर यूज होती है कुकीज के लिए और क्रोसेंट्स वगैरह के लिए। इस पे आप ऐसे बेकिंग पेपर पहले लाइन अप करेंगे और फिर जो भी आपने यहाँ पर रखना है वो रख के, तो आप इसके मिडिल में बिल्कुल इस ट्रे को रख देंगे, ठीक है। ये क्रोसेंट्स और कुकीज वगैरह के लिए होती है। अब केक के लिए हम ज़्यादातर इन्हें यूज करते हैं, और अपना मोल्ड हमने मिडिल में, इधर से भी हमने पीछे और आगे का ध्यान रखना है कि ये मिडिल में होना चाहिए, और ऊपर और नीचे से भी ये बिल्कुल मिडिल में ही होना चाहिए। इसके अलावा आपने जो भी अपने मोल्ड्स वगैरह यूज करने होते हैं उसके लिए आप ये वाली ट्रे ही यूज करेंगे, पिज्जाज के लिए, पाइज के लिए, केक्स के लिए, तो आप ब्रेड्स के लिए ये आप यही वाली वायर यूज करेंगे जिसके ऊपर आपने मोल्ड को रखना होता है। अच्छा, एक बात मैंने आपको बतानी थी कि ये जो जब आप ये रॉड रखेंगे तो आपकी ये रॉड्स वाली साइड ऊपर आनी चाहिए, ये नीचे होगा और ये रॉड्स वाली साइड ऊपर होगी हमेशा, ओके। तो इनको रिमूव करने के लिए ये हमारे पास इलेक्ट्रिक ओवन के साथ हमें एक टोंग मिलता है, ये इसी मकसद के लिए होता है कि आप अपनी हॉट रॉड्स को रिमूव कर सके। वैसे तो ये आप एक ग्लव भी ले सकते हैं, ये इसको आराम से निकाल सकते हैं ज्यादा ग्रिप के लिए, या एक हाथ अगर आप इससे करें और दूसरा हाथ इससे करें अगर इसके ऊपर कोई हैवी मोल्ड पड़ा हुआ है। तो बहरहाल ये हमारे पास ये इसकी ये स्मॉल ये है, ये आपने इसमें पहले ये नीचे से ला के इसको हमने इसके साथ एडजस्ट करना है, ये देखें ये अब हिल नहीं सकता। अब आप इसको आराम से रिमूव कर लेंगे, ओके, ये इसमें फंस चुके हैं। इसी तरह आप इसको भी इसमें एडजस्ट करेंगे और इसको भी हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास ग्रिलर की रॉड है, ग्रिलर की रॉड ये भी इसका भी ये है कि आपने अपना जो भी इसमें आप कर रहे हैं रोस्ट वो आपने इसमें पिरो लिया, ओके। ये हमारे पास साथ दो आते हैं ये, ओके, मीज। तो इनकी हमने एक हमने इस तरफ से डालना है, इसके बीच में हमने इसको फंसा लेना है अपने जो भी हमारा बर्ड होगा, जो भी हम रोस्ट कर रहे हैं, चिकन है, मटन है, व्हाटएवर, इसको। और जब ये इसके अंदर हम फिक्स कर देंगे बिल्कुल, ताकि वो मूव ना कर सके, हिल ना सके दोनों साइड से, तो हम अपनी की से इसको ये हमने इसको फिक्स कर दिया सख्ती से, ठीक है। अब हम जब हमारा ये हो गया फिर हम इसको एडजस्ट करेंगे, पहले ये वाली साइड मेरे ओवन में तो ये है कि ये इस तरह से अंदर जाता है और फिर हम इसको इस पर एडजस्ट कर देते हैं। जब हम इसको ग्रिल करते हैं तो ये राउंड राउंड होना शुरू हो जाता है। जब हम ये ग्रिल की ऑप्शन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये ग्रिल की जब हम ऑप्शन करते हैं और स्टार्ट करते हैं तो ये राउंड राउंड
घूमता है, तो ये चारों तरफ से इसको इक्वल हीट मिल जाती है। अब हमने अगर इसको रिमूव करना है, हमारा बर्ड, हमारे चिकन मटन व्हाटएवर हमारी डिश बन गई है, तो उसको रिमूव करने के लिए ये हमारे पास एक ओवन का एक और टोंग है, ये हमारे पास, हम इससे हमेशा रिमूव करेंगे इस तरह। इसको उठाया और बाकी का भी बाहर आ गया, और इस तरह हम इसको बाहर निकाल देंगे। अब एक टिप है कि जब भी हम केक या सॉफ्ट स्पॉन्ज वाला टेक्सचर जिसका हो वो आइटम, जब भी हम वो बेक कर रहे हैं, तो हमने हमेशा निचली रॉड, जो नीचे वाली रॉड है, उस पे उसको बेक करना है। हमेशा निचली रॉड पर वो बेक होंगे, ठीक है? आपने हमेशा निचली रॉड पर बेक करना है, जो सॉफ्ट टेक्सचर वाली चीजें हैं, पिज्जाज हैं, ब्रेड्स हैं, केक्स हैं, कप केक्स हैं, वो सब निचली रॉड पे होते हैं, और लास्ट 5 से 10 मिनट्स में दोनों रॉड्स ऑन हो जाती हैं, ठीक है? जबकि हमारी जो कुकीज हैं, जो हार्ड टेक्सचर वाली चीजें हैं, जो आइटम्स हैं, कुकीज हैं, ये प्रोसेस वगैरह हैं, ये हमेशा दोनों रॉड्स पर ऑन होंगे, दोनों रॉड्स पर बेक होंगे शुरू से ही। कुकीज वगैरह, जो कुकीज का टेक्सचर है, और जितनी भी हार्ड टेक्सचर वाली चीजें हैं, वो सब डबल रॉड पर बेक होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी यूजफुल लगी होगी, और इससे आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। और अगर आपने कुछ भी मुझसे पूछना है एक्स्ट्रा, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपका ओवन डिफरेंट है और आप उसकी पिक्चर लेकर मुझे कमेंट्स में सेंड कर सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ कि आप वो किस तरह से यूज़ करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।